प्रबंधकीय पारिश्रमिक का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। प्रबंधकीय पारिश्रमिक का अर्थ या मीनिंग ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, कंपनी के संचालकों, प्रबंध संचालकों एवं प्रबंधक को मिलने वाले पारिश्रमिक को प्रबंधकीय पारिश्रमिक कहते हैं। प्रबंधकीय पारिश्रमिक दो प्रकार का हो सकता है, पूर्णकालीन प्रबंधकों के लिए और अंशकालीन प्रबंधकों के लिए। प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में वैधानिक प्रावधान या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। एक कंपनी द्वारा देय प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम की विभिन्न धाराओं एवं अनुसूची 5 के अकॉर्डिंग वैधानिक प्रावधान इस प्रकार है। अधिकतम पारिश्रमिक सेक्शन 197 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग एक सार्वजनिक कंपनी अथवा उसकी सहायक निजी कंपनी अपने सभी संचालकों, अंशकालीन संचालकों एवं प्रबंधक को किसी भी वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के कुल शुद्ध लाभ का 11% से अधिक पारिश्रमिक नहीं दे सकती। लाभ न होने अथवा अपर्याप्त होने पर पारिश्रमिक का भुगतान सेक्शन 197(3) के अकॉर्डिंग यदि किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी को लाभ नहीं होते हैं अथवा अपर्याप्त होते हैं तो कंपनी अपने यहाँ नियुक्त प्रबंधकीय अधिकारियों को पारिश्रमिक के रूप में बिना केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के कुछ भी नहीं चुका सकती है। पारिश्रमिक का निर्धारण, प्रबंधकीय पारिश्रमिक का निर्धारण एवं भुगतान अंतर्नियम द्वारा अथवा साधारण सभा में पारित प्रस्ताव अथवा व्यवस्था होने पर विशेष प्रस्ताव पारित करके किए जाते हैं। पारिश्रमिक के भुगतान का आधार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान मासिक आधार पर, शुद्ध लाभों के प्रतिशत के आधार पर या अंशतः मासिक आधार पर और अंशतः शुद्ध लाभों के प्रतिशत के आधार पर हो सकता है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा, कोई भी कंपनी पूर्णकालिक संचालक अथवा प्रबंध संचालक को व्यक्तिगत रूप से 5% से अधिक पारिश्रमिक के रूप में भुगतान नहीं कर सकती, किंतु कंपनी में एक से अधिक पूर्णकालीन संचालक अथवा प्रबंध संचालक होने पर सभी को कुल मिलाकर शुद्ध लाभों का 10% से अधिक पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता। प्रबंधक का पारिश्रमिक, यदि कंपनी में प्रबंधक कार्यरत है तो प्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से अधिकतम पारिश्रमिक शुद्ध लाभों का 5% से दिया जा सकता है। केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से वृद्धि, पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा 5% और 10% में केंद्रीय सरकार से आज्ञा प्राप्त करके वृद्धि की जा सकती है। पारिश्रमिक से संबंधित सरकारी प्रतिबंध, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में सरकारी प्रतिबंध इस प्रकार है। लाभ वाली कंपनियों द्वारा देय पारिश्रमिक, जिस कंपनी ने पर्याप्त लाभ कमाया हो वह अपने शुद्ध लाभों का 11% ही सीमा के भीतर प्रबंधकीय व्यक्तियों को वेतन, महंगाई भत्ते, कमीशन एवं अन्य भत्तों के रूप में पारिश्रमिक दे सकती है, किंतु कुल पारिश्रमिक इन सीमाओं से अधिक नहीं हो सकता। यदि एक ही प्रबंधकीय व्यक्ति हो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, यदि एक से अधिक प्रबंधकीय व्यक्ति हो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, अंशकालीन संचालक हो
यदि कोई प्रबंध संचालक या पूर्णकालिक संचालक ना हो तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, यदि प्रबंध संचालक या पूर्णकालिक संचालक भी हो तो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। शुद्ध लाभ में जोड़ी जाने वाली या शुद्ध लाभ का निर्धारण सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए किसी वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ की गणना इस प्रकार की जाएगी। लाभ में जोड़ी जाने वाली मदें, इसमें कंपनी को सरकार से प्राप्त अभिदान की राशि को शुद्ध लाभ में जोड़ दिया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार से कोई विपरीत आदेश प्राप्त ना हो। शुद्ध लाभ में से में नहीं जोड़े जाने वाले मदें शुद्ध लाभ की गणना के लिए कुछ मदों को नहीं जोड़ा जाएगा और एवं अगर ये मदें लाभों में शामिल हो चुकी है तो इनको घटा दिया जाएगा। जैसे अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम, हरण किए गए अंशों के विक्रय से लाभ, पूंजीगत प्रकृति के लाभ, उपक्रम अथवा उसके भाग को बेचने पर लाभ, किसी अचल या स्थायी संपत्ति को बेचने पर लाभ, बशर्ते कि कंपनी का व्यवसाय ऐसी संपत्तियों को क्रय विक्रय करने का नहीं है। लाभों में से घटाई जाने वाली मदें समस्त कार्यशील व्यय, विशिष्ट दशाओं में लगाया गया व्यावसायिक लाभ कर, ऋण पत्रों पर ब्याज, संचालकों की फीस, बंधक ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज, पूर्णकालीन अथवा अंशकालीन कर्मचारियों को बोनस एवं कमीशन, असामान्य लाभ पर कर, असुरक्षित ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज, चल एवं अचल संपत्तियों पर मरम्मत व्यय, पुण्यार्थ कोष में अंशदान 50,000 रुपये अथवा धारा 198 के अनुसार परिकल्पित लाभों का 5%, वैधानिक दायित्व की पूर्ति हेतु बीमा प्रीमियम, स्वीकृत डेप्रिसिएशन, अपलिखित किए गए बैड डेट्स, वैधानिक दायित्व हेतु दिखाया गया हर्जाना अथवा क्षतिपूर्ति की राशि, 1 अप्रैल 1956 के पश्चात समाप्त हुए वर्षों की हानि जिसकी गणना सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग की गई है और जिसे पूर्व के वर्षों में अपलिखित नहीं किया गया है। लाभों से न घटाई जाने वाली मदें इनकम टैक्स एवं अधिकर एवं आय पर अन्य कर, स्वेच्छा से दी गई क्षतिपूर्ति अथवा हर्जाने की राशि, पूंजीगत हानियाँ। प्रबंधकीय पारिश्रमिक का अंकेक्षण। प्रबंधकीय पारिश्रमिक का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को ध्यान देने वाली बातें इस प्रकार है। अंतर नियमों का अध्ययन। अंकेक्षक को सर्वप्रथम प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में किए गए प्रावधानों की जानकारी लेने के लिए अंतर नियमों का अध्ययन करना चाहिए। संचालकों का रजिस्टर। संचालकों के रजिस्टर का निरीक्षण करके उनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अनुबंध एवं सूक्ष्म पुस्तक की जांच। अंकेक्षक को अंतर नियमों के अतिरिक्त साधारण सभा में पारित किए गए प्रस्ताव, संचालक मंडल की सूक्ष्म पुस्तक एवं अनुबंध आदि की जांच करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रबंधकीय अधिकारियों के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में नियमों की जानकारी भी लेनी चाहिए। केंद्रीय सरकार की अनुमति। यदि प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान अधिकतम सीमा से अधिक किया गया है तो उसे केंद्रीय सरकार की अनुमति और साधारण सभा में पारित किए गए विशेष प्रस्ताव की जांच करनी चाहिए। विशेष पारिश्रमिक। यदि किसी संचालक को किसी विशेष कार्य के लिए विशेष पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है तो अंकेक्षक को
संचालकों की सूक्ष्म पुस्तकों एवं संबंधित प्रस्ताव की जांच करनी चाहिए। पारिश्रमिक का प्रमाणन, अंकेशक को प्रबंधकीय पारिश्रमिक का प्रमाणन, उपस्थिति रजिस्टर, रसीद, रोकड़ बही एवं बैंक विवरण आदि की सहायता से करना चाहिए। यात्रा व्यय, यदि संचालकों की यात्रा व्ययों का भुगतान किया गया है तो अंकेशक को कंपनी के अंतर्नियमों और साधारण सभा में प्राप्त किए गए प्रस्तावों की जांच करनी चाहिए। अधिक भुगतान की दशा में आवश्यक पूछताछ, यदि अंकेशक को यह पता लगे कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक की निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान किया गया है तो उसे भुगतान की गई राशि को कंपनी में जमा कराने के लिए आवश्यक पूछताछ करनी चाहिए, अन्यथा उसे इस तथ्य का उल्लेख अपने रिपोर्ट में कर देना चाहिए। चिट्ठे में निरूपण, अंकेशक को ये देखना चाहिए कि चिट्ठे के दिन तक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है तो यह चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर दर्शाया गया है या नहीं। धन्यवाद।